भीषण अंधेरे में एक भयानक अपराध को अंजाम दिया गया था। एक लड़की को मारकर बड़ी ही निर्ममता से उसकी लाश एक वीराने जंगल में लटका दी गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला वो अपराधी था जिसने बड़े चाव के साथ बेसुध होकर इस अपराध को अंजाम दिया था। कौन था वो आदमी? उसने उस लड़की को क्यों मारा? क्या वो उसका पहला शिकार थी या फिर इस लिस्ट में और भी लड़कियां शामिल थीं? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूं आपका एक ऐसी अपराध की कहानी में जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ये टॉप अच्छा लग रहा है, ये जींस के साथ जा रहा है क्या? तुम खुद ही डिसाइड कर लो। वैसे भी तुम मेरी बातें सुनती कहाँ? मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रही हूँ, ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दी प्लीज, वो बहुत अच्छा लड़का है। इनफ नैना, ही इज गुड फॉर नथिंग। और एक निकम्मे आदमी को मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकती। लिसन, तुम मेरी छोटी बहन हो। कैन आई रियली रियली केयर फॉर यू? पर अविनाश, कल ही मैंने बोला था ना तुम्हें, ये मीता के केस के पेपर्स कोर्ट में फाइल कर देना। देखो, अब और एक दिन डिले हो गया। सर, मीता मेहता डाउरी हैरेसमेंट केस फाइल ही नहीं करना चाहती है, वो बाहर सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। पर क्यों? इतनी बुरी तरह से मारा था मीता को, ऐसे घटिया लोगों के साथ सेटलमेंट क्यों? हमें एथिक्स में पढ़ा है, अगर आपके क्लाइंट्स कंफ्यूज्ड हो ना तो आप उनको जाके गाइड कर सकते हो सही डायरेक्शन में। तो मैं एक काम करती हूँ, मीता से कल मैं बात करती हूँ। नहीं नंदिनी, देखो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे केसेस लाइंड अप, और हम उन लोगों के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते जो खुद लड़ना नहीं चाहते। लेकिन नंदिनी, देखो तुम अभी तक लॉयर बनी नहीं हो, जस्ट इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है तुम्हारी। जिस दिन तुम अपनी किताबी दुनिया से बाहर निकलकर रियल में कोर्ट में केस लड़ोगी ना, तब समझ में आएगा कि अगर विक्टिम केस लड़ना ही नहीं चाहता है तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। Am I right, sir? अविनाश बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा है। नंदिनी, ये जो तुम्हारी फिलोसॉफी है, थियोरी है, ये जब तुम इस लॉ फर्म को टेक ओवर कर लोगी ना, तब अपने साथ लेके चलना। अभी के लिए मेरा डिसीजन फाइनल है। अगर आज भर में मीता नहीं मानी तो वी विल श्योरली फाइल फॉर द सेटलमेंट टुमारो, दैट्स इट। आज बड़ी देर हो गई। अच्छा सुनो कार्तिक, मैं कॉलेज जा रही हूँ, और आपका याद है ना, दुग्गल जी के बेटे की शादी है आज, 7:30 बजे हमें यहाँ से निकलना है, इसलिए आपको 7 बजे से पहले घर आना है। अरे हाँ हाँ, याद है, तुम संभल के जाना, ड्राइव सेफ। ठीक है, बाय नंदिनी। बाय मामा। अब पापा, मैं भी कॉलेज निकलती हूँ, सीधा शाम को ऑफिस में मिलते हैं। नंदिनी। जी पापा। चलो, 6 बज गए, मैं निकलता हूँ अभी, 7 बजे घर पहुंचना है, तुम्हारी मम्मी ने बोला है शादी में जाना, याद है ना? और अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो तुम्हारी मम्मी पता है ना क्या करेगी। चलो मैं निकलता हूँ, और तुम भी जल्दी घर जाना। हाँ पापा, मैं ये फाइल्स फिनिश करके। ओके, चलो बाय। बाय पापा। बाय। बॉडी को अच्छे से चेक करो। ओके सर। और तुम लोग आसपास का एरिया अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। मॉर्निंग सर, 22-23 साल की लड़की है, गले में रस्सी का फंदा भी लगा हुआ है, इस तरफ सर। लड़की की कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई? नहीं सर, कांस्टेबल सर्च कर रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया है संजय वन। यही पेड़ है? हाँ सर, यही पेड़ है।
उसकी टहनी पर रस्सी से खींचने का निशान भी बना हुआ है। टहनी काफी ऊंची है, इस पर रस्सी काफी मुश्किल से डली होगी। इतनी ऊंची टहनी पर रस्सी डालने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी जो मुझे आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रही। सर, तो उस लड़की का ही पर्स लगता। तरुण कोई तो है जो ये चाहता है इस लड़की की पहचान ना हो सके, तभी उसका सामान जलाने की पूरी कोशिश की गई है। ये पर्स और इसमें का सामान जो भी है लैब में भिजवाओ फॉरेंसिक। इस पर्स को अच्छे से चेक करो। सर, नेटवर्क ही नहीं। तरुण जी, सर ये देख रहे हो निशान किसी बड़ी गाड़ी के टायर्स के, जैसे एसयूवी या सेडान के। गाड़ी बड़ी रही होगी मुझे लगता है, इसलिए गाड़ी को यहां रोकना पड़ा होगा। सर, बैग के पॉकेट से ये मिला है। ये तो किसी एडवोकेट का कार्ड है, कार्तिक। तरुण पता करो ये किस एडवोकेट का कार्ड है। जी सर। थक गया रात भर। मिस्टर सिंह। यस। एक्चुअली आज सुबह हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसके बैग से हमें ये विजिटिंग कार्ड मिला। हाँ, ये मेरा ही कार्ड है। ये उस लड़की की फोटोग्राफ, क्या आप जानते हैं? मेरी बेटी नंदिनी। आचन, कल रात में मेरी बात हो गई थी उसके साथ। हाँ पापा। नंदिनी तुम अब तक ऑफिस में हो? नंदिनी देखो 11 बजे रहे रात के, इतनी देर तक बाहर रुकना सेफ नहीं है। पापा बस एक फाइल बची हुई है, ये फिनिश करते ही ना मैं बस घर के लिए निकल रही हूँ। नो मोर फाइल्स। नहीं, अभी कोई फाइल नहीं देखनी तुम्हें। तुम उठो वहां से, तुम अभी के अभी उठो वहां से और घर चली जाओ। अच्छा पापा, ठीक है, मैं अभी अपना सामान पैक कर लेती हूँ और आप प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लो, फोन रखते ही निकल जाऊंगी। बस उसके बाद फिर से अंदर शादी में चला गया, पर मुझे क्या मालूम था कि नंदिनी के साथ मेरी बच्ची के साथ ये आखिरी बात हो रही है मेरी। मिस्टर सिंह, ये फोटो में दूसरी लड़की कौन है? है ना? मेरी छोटी बेटी है वो। नैना, नैना अपने कमरे में नहीं है, नैना नहीं है वहां पर। मैं उसको फोन ट्राई करती हूँ। फोन बंद आ रहा है। हाँ तो हो सकता है उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई हो, इसलिए उसका फोन स्विच ऑफ हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ गई हो। आपके पास होगा ना नंबर उसकी किसी फ्रेंड का? हाँ, मेरे पास मोना का नंबर है। हाँ आंटी, मैं नैना की मम्मी बात कर रही हूँ। मेरी प्लीज नैना से बात करवा दो ना, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मगर नैना तो यहाँ नहीं है। लेकिन उसने तो कहा था वो रात को तुम्हारे घर में रहने वाली है, कुछ प्रोजेक्ट का काम था इसलिए। हाँ आंटी, हमारा प्लान तो वही था मगर उसने प्लान कैंसिल कर दिया। एक काली रात के साए ने नैना और नंदिनी दो बहनों की जिंदगी को अपनी चपेट में ले लिया था। नंदिनी की मौत का कारण क्या था और उसे किसने मारा था, और नैना कहाँ थी उस रात? जो हुआ क्या वो एक क्षण भर का खेल था या एक रचा रचाया नाटक जिसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी? भैया जी, आज क्लासेस करके ना बहुत थक गई हूँ, कड़क से चाय पिला दीजिए। मेरी वजह से ना तुम्हारे हाथ पे गर्म चाय गिर गई। पिछले 10 मिनट में 50 बार सॉरी बोल चुकी हो। वैसे भी गलती मेरी थी,
अरे नहीं सुनो, अभी मैं ठीक हूँ, देखो ठीक हूँ, ठीक है? आपका नाम क्या है? ओ हाय, नंदिनी सिंह। और तुम? प्रिया तिवारी। तो यहाँ पे नहीं आई हूँ क्योंकि इस एरिया में पहले तुम्हें देखा नहीं है मैंने कभी। हाँ एक्चुअली ये करनाल है, उसके पास ही मेरा गांव है, और दिल्ली किसी काम से आई हूँ। और आप दिल्ली से हो? मेरे घर यहीं पास में है। अच्छा, तो मतलब आप अकेली रहती हो या? मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, मम्मी पापा, मेरी बहन नैना। और तुम? मैं मेरी मम्मी के साथ रहती हूँ, मतलब मैं और मेरी मम्मी। मेरे पे तरस खाने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरी मम्मी ना एक दूसरे के लिए बहुत काफी है। और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जो है वो लॉयर है हाई कोर्ट में, और मम्मी प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की। मेरी छोटी बहन अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रही है, मैं लॉ कर रही हूँ, इस साल हो जाएगा। मुझे नंदिनी के कल रात का शेड्यूल चाहिए। कल रात को क्या हुआ था यहाँ पर? मेरी ड्यूटी तो रात में 9 बजे तक की है, उसके बाद अगर कोई साहब ऑफिस में काम करते हैं तो निकलते वक्त खुद ही ताला लगा कर जाते हैं। कल रात नंदिनी मैडम और अविनाश सर देर तक काम करने वाले थे। मैडम चाय। राजेश एक्चुअली बहुत लेट हो गया, मुझे ना और टाइम लगने वाला है, तो आप एक काम करो, आप अभी निकल जाओ, मैं जाने के टाइम पे ऑफिस लॉक कर लूँ। नंदिनी, कार्तिक और अविनाश के अलावा और कौन कौन लॉयर इस ऑफिस में काम करते हैं? सर उनके अलावा भूषण सर और रचना मैडम, लेकिन वो पिछले 3-4 दिनों से शहर से बाहर हैं। देखो राजेश, इस ऑफिस में क्या चलता है तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए सोच कर बोलो, क्या कोई ऐसा है जिससे नंदिनी को कोई प्रॉब्लम हो या उसे कोई मार सकता हो? मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश सर नंदिनी मैडम से थोड़ा चिढ़ते जरूर थे। तुम्हें कैसे पता कि वो नंदिनी से चिढ़ता था? 1 महीने पहले अपने ऑफिस में पार्टी थी और सबके जाने के बाद भी अविनाश सर यहीं ऑफिस में रुके थे। यहाँ मिस्टर सिंह के ऑफिस में वो अविनाश बैठकर उन्हीं की बेटी के बारे में बकवास कर रहा था और तुम सुन रहे थे, ये बात मिस्टर सिंह को क्यों नहीं बताई तुमने? मुझे लगा कि अविनाश सर नशे में कह रहे हैं। इस ऑफिस में कोई सीसीटीवी कैमरा है? ये अविनाश सर। इसे तो यही पता चलता है कि नंदिनी ऑफिस से निकलते वक्त सही सलामत थी। कोई और सीसीटीवी कैमरा है ऑफिस के एंट्रेंस या कंपाउंड में? एंट्रेंस में सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन कुछ महीने पहले खराब हो गया था। अरे कम से कम ये तो बता दे तू उसके साथ जाने कहाँ वाली है। अरे यार वो ना वो सब छोड़ ना तू, बस आज रात के लिए कवर फॉर मी। अगर किसी ने पूछा ना तो बोल देना कि रात भर मैं तेरे साथ थी और हमें प्रोजेक्ट का काम करना था, ठीक है? अरे बट नैना तेरा एक्चुअल प्लान क्या है? आज रात को ना मैं एकदम स्पेशल बनाने वाली हूँ। बट नंदिनी दी उन्हें पता है इस बारे में? अरे मैं दी को मना लूंगी बाद में, बट आई रियली लव हिम ना, मैं उसे नहीं जाने दे सकती इस बार, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। तो नैना का बॉयफ्रेंड था जिसे नंदिनी पसंद नहीं करती थी? हाँ सर, नंदिनी दी के अकॉर्डिंग वो नैना के लायक ही नहीं है। मोना उस साथ नैना ऐसा क्या प्लान कर रही थी? वो उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक रोमांटिक नाइट प्लान कर रही थी। और क्या? और उसके साथ इंटीमेट होने का प्लान कर रही थी। नाम क्या है उस लड़के का? बिपिन मिश्रा। एक्चुअली वो पहले नंदिनी दी का क्लासमेट था लेकिन फेल होता चला गया, आजकल वो कॉलेज के गुंडों के साथ उठता बैठता है। और ये सब जानते हुए भी नैना उसके साथ है? साथ ही होती अगर नंदिनी दी ने। देख अपनी करतूते, कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स बेचते हुए। ये क्या है, ये क्या है नंदिनी? मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरी बहन से दूर रह। तू जब तक उससे दूर रहेगा ये सारी के सारी फोटोज मेरे फोन में सेफ रहेंगी, और अगर मैंने दोबारा तुझे मेरी बहन के साथ देखा तो ये सारी फोटोज कॉलेज के एडमिन को मेल कर दूँ। तुम्हारी बहन के साथ कोई गेम नहीं खेल रहा, मैं उसे सही में पसंद करता हूँ और वो भी मुझे बहुत ज्यादा लाइक करती। सुन आई डोंट केयर, ओके? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो करना है कर, उसका दिल तोड़ना है तोड़, उसको झूठ बोलना है बोल, जो करना है कर। तू जब तक उससे दूर है हमारी डील डन। लेकिन फिर भी उनका रिश्ता टूटा तो नहीं? इतना सब कुछ होने के बावजूद नैना विपिन के साथ नाइट आउट प्लान कर रही थी? ठीक है मोना, थैंक यू, तुम जा सकती हो। सर लग तो ऐसे ही रहा कि नंदिनी काफी फियरलेस लड़की थी, आसानी से हार मानने वाली नहीं, अपनी बहन को लेकर काफी प्रोटेक्टिव और केयरिंग भी थी।
और हो सकता है नंदिनी की यही क्वालिटी उसके मर्डर का रीजन बन गई है। तरुण एक काम करो, ये नैना और नंदिनी के साथ साथ विपिन और अविनाश इन सबकी CDR निकलवाओ। सर, टायर मार्क्स की रिपोर्ट आ गई है। क्राइम सीन पे हमें जो टायर मार्क्स मिले थे वो G50 सीरीज के हैं और मैंने चेक किया है, सिंह फैमिली की कार से वो मैच नहीं करते। ये G50 सीरीज तो काफी महंगी सीरीज है, इसके बायर्स लिस्ट भी बहुत छोटी होगी। मोहन एक काम करो, आसपास के एरिया में जितने भी टायर डीलर्स हैं सबकी लिस्ट चेक करो। सर, तरुण, वो क्राइम सीन से जो जला हुआ सामान मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई क्या? हाँ सर, मैंने कॉल किया था, कोई भी फिंगरप्रिंट्स और DNA नहीं मिला, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सर, रस्सी पर भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। तरुण, समझ में नहीं आता, नंदिनी की लाइफ एकदम नॉर्मल थी, कॉलेज गोइंग, एस्पायरिंग लॉयर, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, लाइफ में कोई ड्रामा नहीं, इतनी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, केयरिंग, फिर उस रात अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ? नैना ना पूरी की पूरी कार्टून है। हाँ। कभी कभी ऐसे बेवकूफों वाली हरकतें करती है ना। लेकिन एक बात है, पूरी दुनिया में तुम सबसे ज्यादा उससे प्यार करती हो, है ना? काश ये बात नैना भी समझ पाती। तुम्हें पता है उससे तो लगता है कि मैं दुनिया में ना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन, उसे सच में ऐसा लगता है कि मैं उसकी लाइफ में फालतू में इंटरफेयर कर रही हूं। बट ट्रस्ट मी, दिस गाय विपिन इज नॉट गुड फॉर हर। अरे, ये बहनों में ना ये छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। मुझे पता है, नैना को ना पता है कि उसकी नंदिनी उससे कितनी प्यार करती है, तो चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। सर, सर नंदिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसे मारने से पहले बेहोश भी किया गया। और टाइम ऑफ डेथ? सर, बॉडी मिलने से 6-7 घंटे पहले, 13 अक्टूबर की रात को 1:15 से 1:30 बजे के बीच। CCTV फुटेज के मुताबिक नंदिनी अपने ऑफिस से रात 1:15 बजे निकली, यानी कि ऑफिस से निकलने के थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? सर, सेक्सुअल असॉल्ट की कोई निशान नहीं मिले। वैसे ये नंदिनी सेक्सुअली एक्टिव थी, वर्जिन नहीं थी। नंदिनी रुको, अरे नहीं होगा तुमसे, मैं कर लूंगी ना बाबा, रुको तुम, देखो तो दो यहाँ गिर जाएगा। गिरा दिया ना आखिर। अरे यार, अभी सुनती हो बात किसी की? मैं कर लेती, तुमने बोल बोल देख लिया, देख लिया। चलो चलो, कपड़े चेंज करो, कपड़े गीले हो गए। पूरे बाल गीले हो गए। हाँ। चलो और भर लो पानी। मैं उठा लेती हूँ, तुमने बात कर करके मेरा कंसंट्रेशन खराब कर दिया। ले बेटा, गरम गरम चाय। थैंक यू आंटी। ले बेटा। बेटा, तू दिल्ली में रहती है ना? जी आंटी जी। अपने पापा के साथ? जी। प्रिया के पापा तो हमें 25 साल पहले ही छोड़ के चले गए, जब प्रिया 2 साल की थी। मैं तुम्हें फोटो दिखाऊंगा उनके। मम्मी, वो खाना रखा है ना, जाइए वो पहले लेके आइए। मैं चढ़ा के भूल गई, सिंगरे की सब्जी चढ़ाई है, मैं लेके आऊंगा अभी। प्रिया, तुमने कभी अपने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की? नंदिनी, पापा के गायब होने के बाद ना गांव के बाहर एक लाश मिली थी, पुलिस ने बताया कि वो मेरे पापा की थी और फाइल बंद कर दिया। सर, नंदिनी, नैना, विपिन और अविनाश के CDR और लास्ट लोकेशन की डिटेल्स आ गई हैं। नंदिनी को लास्ट कॉल रात को 11:15 बजे के करीब आया था। कॉलर का नाम समीर देसाई है, उसके बचपन का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। सर, अविनाश का CDR क्लियर है, मर्डर के बाद उसका फोन का लोकेशन उसका घर ही है, जो कि वसंत कुंज से 1 घंटे की दूरी पर है। और सर, नंदिनी, नैना और विपिन के फोन का लास्ट लोकेशन वसंत कुंज एरिया ही है, जहाँ पर नंदिनी के पिता का ऑफिस है। मतलब कि ये तीनों मर्डर वाली रात साथ में थे। सर, नंदिनी का फोन रात को 1:02 पर स्विच ऑफ हुआ था, और नैना का फोन उससे 3 मिनट पहले 12:59 पर, और विपिन का फोन 2 बजे स्विच ऑफ हुआ था। सर, और फिर अगली सुबह हमें नंदिनी की लाश मिली, और तब से ये विपिन और नैना दोनों लापता हैं। ये विपिन का घर चेक किया? हाँ सर, वहाँ कोई नहीं मिला, ड्रग्स के कुछ पैकेट बरामद हुए। तरुण, अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव करो, मुझे नैना और विपिन दोनों जल्द से जल्द चाहिए। हमारे सवालों की असली चाबी ये नैना ही है, और ये गुत्थी तभी सुलझेगी जब नैना और विपिन हमारे सामने हो। 10:50 और 10:55 के बीच में ऑफिस से निकला था, CCTV फुटेज देखी होगी आपने, और पूरी रात मैं घर पर था, लोकेशन डिटेल भी चेक की होगी। ये सब प्लानिंग की है या फिर अचानक से हो गया? कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि क्या कोई ऐसा है जो आपकी इन बातों को प्रूव कर सकता हो? आप मुझ पर शक कर रहे हैं बिना किसी सबूत के? इंस्पेक्टर, आई एम टेलिंग यू, आई एम अ लॉयर। काम डाउन मिस्टर अविनाश, प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। एक बात बताइए,
क्या कोई ऐसा था जो नंदिनी को नापसंद करता था या नंदिनी को नुकसान पहुंचाना चाहता था? मसलन कोई क्लाइंट जो कभी नंदिनी से अपसेट हो गया हो? ऐसा कुछ नहीं था। और कोई क्लाइंट नंदिनी से अपसेट क्यों होगा? वो अभी तक लॉयर बनी नहीं थी। हाँ, वो लॉ स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि वो फर्म में काफी हेल्प आउट किया करती थी। इनफैक्ट आपके केसेस की तो प्रॉब्लम भी सॉल्व करती थी वो। जी हाँ, ये बात सही है। शी वाज अ फाइन लॉ स्टूडेंट, बट आपसे बेहतर नहीं है ऑब्वियसली। फोर्स नहीं थी, मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी लॉ फर्म में उसकी काफी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि वहां के बॉस उसके फादर थे। काफी बुरा लगता होगा, नहीं? कभी कभी तो ऐसा भी लगा होगा कि नंदिनी आपकी कामयाबी के बीच में रुकावट बनके खड़ी थी। देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं ना, वो मुझे सुनने की जरूरत है नहीं। जब सबूत होगा तो बुला लीजिएगा, वरना वारंट लेके आ जाइए। इसे क्या हो गया? कुछ नहीं, अविनाश साहब वकालत खेल रहे थे। इसकी बैकग्राउंड चेक करो। कार्तिक, हमारी नैना कहाँ है? दो दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। कहाँ होगी, किस हालात में होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगी कार्तिक। देखा जाए तो कई लोगों की जिंदगियां नंदिनी के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने लोगों का प्यार और साथ भी उसे इस निर्दयी अंत से बचा नहीं पाया। और दूसरी ओर दिन ब दिन नैना की गतिविधियों पर शक का घेरा बढ़ता चला जा रहा था। तो क्या सच में नंदिनी की मौत के पीछे नैना का हाथ था, या फिर उसकी सच्चाई इस सबसे भी ज्यादा डरावनी थी? सर, मैंने नंदिनी के CDR को रीचेक किया तो एक नई बात सामने आई। नंदिनी पिछले 4 महीने से एक नंबर पर रेगुलरली बात कर रही थी। नंबर है 5643789, फिलहाल अभी बंद है। बॉयफ्रेंड? सर वही तो पजल्ड है, नंबर खुद नंदिनी सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये लो, तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। नहीं नहीं नहीं, मैं ये फोन नहीं ले सकती। कम ऑन प्रिया, तुम्हारे पास फोन नहीं है ना? अब देखो, हमारी बात ना तभी हो पाती जब तुम यहाँ आती हो, पर मैं चाहती हूँ जब मेरा मन करे ना, मैं तुम्हें बस फोन करके तुमसे बात करूँ। तो प्लीज, नहीं नहीं, तुम्हें ये फोन लेना पड़ेगा। प्रिया, तुम्हें मेरी का समय बहुत सिद्धि है। तरुण, ये नंबर ट्रैकिंग पे डालो, पता तो चले ये एंगल है क्या। जी सर। अरे राजेश, मियां। सर 13 अक्टूबर की रात का कुछ फुटेज गायब है। गायब मतलब? सर 13 अक्टूबर की रात का फुटेज मैं चेक कर रहा था, नंदिनी मैडम के जाने के बाद का कुछ फुटेज किसी ने डिलीट कर दिया। तरुण, ये 1 बजे तक का तो है डिलीट, लेकिन 1 से 2 के बीच का डिलीटेड है। राजेश, क्या लगता है तुम्हें किसने डिलीट किया होगा? सिंह सर ने हम 2 लोगों पर जिम्मेदारी दी है, एक मैं और एक बंदा है जो सारे सिक्योरिटी पासवर्ड जानता है। कौन है वो? सर, ऑफिस के CCTV कैमरा के साथ तूने छेड़छाड़ की, उसकी डायरेक्शन घुमाई ताकि जब तू वापस आए तेरी शक्ल ना उसमें दिखाई दे। तू वापस आया भी, बड़ी सफाई से तूने नंदिनी का किडनैप किया और फिर मर्डर कर दिया, लेकिन CCTV कैमरा पे तेरे फिंगरप्रिंट्स पाए गए। तो अब मर्डर के लिए 14 साल और प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए कुछ? सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ है। तरुण, प्रूफ अटैच करके चार्जशीट फाइल करो। प्रूफ हमारे पास है ही, कन्फेशन मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 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 सर, मेरी बात सुनिए, ये सब झूठ है सर। मेरे CCTV कैमरे को हाथ नहीं लगाया सर, जब मैं इजीली CCTV कैमरे की फुटेज डिलीट कर सकता था, जो मेरे लिए बहुत इजी था। मैं कैमरे को हाथ क्यों लगाऊंगा सर? अब आया हूं ऊंट पहाड़ के नीचे। सर, आप लोगों ने मुझे ट्रिक किया है। वकील साहब, जंग में सब जायज है। अब ये बता कि तूने नंदिनी को कब, कहां और कैसे मारा? सर, मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैंने नंदिनी को मारा नहीं है सर। मैं बस उसका काम खराब करना चाहता था, इसलिए जब वो ऑफिस से गई मैं वापस गया था उसकी फाइल में छेड़छाड़ करने के लिए। सर, एक आदमी दिन रात मेहनत करके ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक मुकाम बनाता है, अपनी जगह बनाता है, वही एक नया बंदा आता है, उसे बिना मेहनत किए वो मुकाम दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फैमिली का चिराग होता है, इसीलिए सर।
आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कैसा फील होता होगा। लेकिन सर मैंने नंदिनी को मारा नहीं, उसकी फाइल में गलतियां जरूर की थी लेकिन मारा नहीं है सर। तूने मारा है या नहीं मारा है ये हम पता लगाएंगे, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तू यहीं रहेगा। सर चंदू का कॉल आया था, बोला कि जमुनापार इलाके में विपिन दिखाई दिया है, एग्जैक्ट लोकेशन निकाल के कॉल करेगा। तरुण ये केस किसी जिल्टेड लवर, प्रोफेशनल राइवलरी या वेवर्ड बॉयफ्रेंड का नहीं लगता। इस केस में कुछ तो है जो हमसे मिसिंग है। तरुण ये समीर की गर्लफ्रेंड हिना से बात करके समीर का स्टेटमेंट वेरीफाई करवाओ, मुझे लगता है ये समीर सच बोल रहा है। सर फिर तो हमारे पास दो ही सस्पेक्ट बचे, विपिन और नैना। सर आओ क्या? हाँ चंदू। सर सिंह साहब के यहाँ पे एक नौकरानी काम करती है, कुछ दिन पहले छुट्टी पर गई थी, कल ही दिल्ली लौटी है, उसी ने मुझे सब बताया, 2 महीने पहले की बात है। डॉक्टर क्या हुआ इसे, इसके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मिसेस सिंह नंदिनी का मिसकैरेज हुआ है। मिसकैरेज? पिटस के कुछ पार्ट अंदर रह चुके हैं, सेप्टिक हो गया है, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है। ये अब क्या बोले जा रही है? प्रेग्नेंट? मैं किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं हूँ, नहीं कभी नहीं हुआ ऐसा, मैं नहीं, कभी नहीं हुआ सच में। तू शांत हो जा, हम देखते हैं। आ जा। क्या देख रही है? जा। वो मैं क्या बोल रही थी, हमारे मोहल्ले में ना एक डॉक्टर है, ये ऐसे काम ना वो सन्नाटे में निपटा देते। अब मेरी बात मानिए, नंदिनी को हम वही लेकर चलते, किसी को कानो कान खबर तक नहीं चलेगी। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मिसेस सिंह नंदिनी को एक शेडी क्लिनिक में लेके गए? हाँ सर, सुनीता भी उन दोनों के साथ गई थी और 2-4 घंटे में सारा काम निपटा लिया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। ये तो हमें पता था कि नंदिनी की जिंदगी में कोई है, एक्चुअली में है कौन? पापा मैं प्रिया, आपकी और अवंती की बेटी। आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिल पाया है। पापा मेरा मैसेज देखते ही मुझे जवाब दीजिए, मुझे आपसे मिलना है। I'm sorry, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आप लोग यहाँ नैना की कोई खबर मिली क्या? हमें एक्चुअली आंचल जी से मिलना है। अब बैठे मैं बोला, बैठिए। आंचल, आंचल मैं अब और नहीं जी सकती, आई एम सॉरी। तरुण ये लेटर अपनी कस्टडी में लो। ये सिंह फैमिली के साथ हो क्या रहा है? पहले नंदिनी की डेड बॉडी मिलती है, फिर नैना गायब, और हिमाचल जी का सुसाइड। हर इन्वेस्टिगेशन हमारी किसी ना किसी डेड एंड पे जाकर रुक जाती है। अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि नैना किस हाल में है, जिंदा भी है कि नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ चंदू ठीक है सर, विपिन मिल गया है, जमुना पार्क के एक लॉज में छिपा हुआ है, रूम 2 लोगों के लिए बुक्ड है, उठा लाओ उसे। जी सर। पकड़ नहीं पाएगा, चेक करो अंदर कोई और है क्या? नहीं सर। नैना कहाँ है? कहाँ है नैना? सर कहाँ है नैना? सर मुझे नहीं पता नैना कहाँ है सर। नैना जिंदा भी है या उसे भी नंदिनी की तरह मार डाला तूने? सर नंदिनी मार डाला? सर ये आप क्या बोल रहे हो सर, मुझे नहीं पता नैना कहाँ है, और वो मेरे साथ क्यों रहेगी, हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। तो फिर 13 तारीख की रात को 1:15 बजे नैना और नंदिनी के साथ क्या कर रहा था? सर उस दिन सुबह नैना ने मुझे फोन करके अपने घर बुलाया था,
मुझसे कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए मैं चला गया था। लेकिन जब वो बाहर आई तो रोने लगी, मुझसे कह रही थी कि मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना रह नहीं सकती। नैना ये क्या कर रही हो तुम? तुमको समझ में नहीं आता क्या कि हम लोग एक नहीं हो सकते? प्लीज मुझे छोड़ के बच जा, आई रियली लव यू, प्लीज। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। नैना क्या हुआ, क्या हुआ? नंदिनी अपनी बहन को संभालो, इसको समझाओ कि मुझसे दूर रहे, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ मैं। जब तूने कुछ किया ही नहीं था तो फिर अपना फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा था तूने? सर क्योंकि मैं जानता था कि नैना मुझे फोन करेगी और इस बार मुझे थोड़ा स्ट्रांग रहना था। नैना को नंदिनी के पास छोड़ने के बाद मैंने अपना फोन तुरंत ऑफ कर लिया था। और सर जहां तक रही बात लॉज की, तो सर नैना मेरा घर जानती है, मैं नहीं चाहता था कि वो वहां पे आए और वहां पे ड्रामा बढ़े, इसलिए मैं आयुष के साथ थोड़े दिन वहां पे रुका था। हमारे पास सस्पेक्ट्स भी हैं, उनके मोटिव्स भी हैं, इनफैक्ट वो सभी मर्डर के टाइम पर क्राइम सीन के आसपास मौजूद भी थे, लेकिन एक के भी खिलाफ हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। सर G50 टायर के डेटा से चेक किया, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट विक्टिम और विटनेस हैं, उनमें से कोई भी ये टायर यूज नहीं करता। कोई भी नहीं है? नहीं सर, बस एक विशाल दुग्गल है जो नंदिनी के घर के पीछे वाली लेन में रहते हैं, पर उनका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी पुरानी एसयूवी में G50 टायर का यूज करते थे, पर अब उनके पास नई कार है और टायर भी डिफरेंट है। मोहन ये मिस्टर दुग्गल से पता करो उन्होंने अपनी पुरानी एसयूवी और टायर के साथ क्या किया। और सर विपिन के साथ जो आयुष मिला था उसका क्या करना है? अंदर बैठा, उसे उसकी डिटेल्स लो, सामान वापस लौटाओ और उसको जाने दो। जी सर। मिस्टर दुग्गल आपकी पुरानी एसयूवी और उसके टायर की इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ बात करनी है। आप G50 सीरीज के टायर यूज़ करते थे? जी हाँ, मैं वो टायर पुरानी एसयूवी में यूज़ करता था, पर अब मैंने उसे स्क्रैप में डाल दिए 2 साल पहले और अब नई कार खरीद ली है। आर यू श्योर आपने उसे रीसेल नहीं किया था? नहीं नहीं सर, मुझे अच्छे से याद है, वो काफ़ी बुरी कंडीशन में थी। पर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? एक जनरल इंक्वायरी है एक केस के सिलसिले में। ठीक है, थैंक यू। हेलो, यहाँ पर साइन कर दो। हाँ। और जब भी बुलाएं पुलिस स्टेशन आना होगा तुम्हें। हाँ जी। ये तुम्हारा चेन, घड़ी, पर्स और ये मोबाइल। थैंक यू सर। आयुष 2 मिनट लगेगा, मोबाइल चलाकर एक बार देख लो। लाओ मैं ऑन करता हूँ। नहीं सर, अभी आपके पास था मतलब सब ठीक ही होगा ना सर? एक सेकेंड, मोबाइल दे। सर कुछ नहीं है इसमें सर, मैं चला जाता हूँ। मोबाइल दे। क्या ये? सर गलती हो गई सर। क्या है मोबाइल में? सर गलती हो गई। गलती हो गई? एक तो उस बेचारी को बेहोश किया, उसका फायदा उठाया, इतने पे भी अपने किए पे शर्म नहीं आई, उसका वीडियो अपने मोबाइल पे ट्रॉफी की तरह लेके घूम रहा था अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी तेरी, ये ट्रॉफी थी ना? अब सीधी तरह से बता कैसे किया ये सब। बताता हूँ सर। सर मैं नंदिनी को पसंद करता था, उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं, मेरे सब्र का बांध टूट गया सर। एक दिन मुझे पता चल गया कि विपिन के पास उसके घर की डुप्लीकेट चाबी होगी जो उसे नैना ने दी थी। मैंने उसी चाबी का डुप्लीकेट बना लिया। पता चल गया था इसलिए नंदिनी को मारा तूने? नहीं सर, मैंने नंदिनी को नहीं मारा, मैं तो विपिन के साथ था सर। मुझे तो अभी पता चला है कि नंदिनी का मर्डर हुआ है। सर नंदिनी की जिस नंबर पर रेगुलर बात होती थी और जो नंबर उसके नाम पर रजिस्टर था, उसका लास्ट लोकेशन मिल गया है, करनाल के पास टिकरी गांव। चलो
दिल्ली पुलिस। पुलिस? घबराइए मत मैडम, हम बस ये जानना चाहते हैं कि यहाँ घर में आपके अलावा और कौन कौन रहता है। जी, मैं अवंती और हमारी बेटी प्रिया। कहाँ है प्रिया इस वक्त? जी, उसके पापा आए थे घुमाने लेके गए। इतने साल के बाद उसे उसके पापा मिले ना। जरा प्रिया को फोन लगाइए ना, हमने बात करनी है उससे। जी, मैंने लगाया था, उसका फोन बंद आ रहा। ये प्रिया का नंबर मैं कई बार मिला चुका हूँ, बार बार बंद आ रहा है। जी, ये नंबर तो ना पता मेरे को, मारे पास है एक नंबर, मैं लेकर आऊँ। जी, ये 6-6-7-8-7। ये प्रिया अपना फोन साथ लेकर गई है ना? हाँ जी। ठीक है, मुझे लोकेशन के बारे में अपडेट करते रहना। सर, दोनों के नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिए, अभी नॉट रीचेबल। लास्ट लोकेशन? आधे घंटे पहले वसंत कुंज मेरोली रूट क्रॉस किया सर। नंदिनी की जहाँ हमें लाश मिली थी, संजय वन, वो भी तो इसी रूट को पड़ता है ना? हाँ सर, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं। नो नेटवर्क जोन होगा। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ वापस, जल्दी, मुझे पता है वो लोग कहाँ होंगे। आपने बोला बहुत साल बाद ये यहाँ आए हैं, आप लोग साथ में नहीं रहते? जी, महाराज जी ने बोला था ना कि मैं राक्षस गण की हूँ और मारी प्रजाति डायन की है, और जे मारे साथ रहेंगे ना तो कभी आगे ना बढ़ पाएंगे, और ये महाराज जी को बहुत माने हैं, इसलिए मारे को छोड़ के चले गए। और ये अचानक इतने सालों बाद आज यहाँ आए? हाँ जी, और मारे से माफी भी मांगी। अवंती, मुझे माफ कर दो। बेटा मेरे साथ घूमने चलोगे? सोच कर रही है जाना, पप्पू आए तेरे। ये सब क्या हो गया मेरी बेटी? विधि तो बिल्कुल सही ढंग से की थी मैंने, तुमसे ही कुछ गलती हो गई होगी। तुमसे पहले कई बार मैंने ये विधि की है, ये विधि पहले जने के साथ की जाती है। महाराज जी, नंदिनी मेरा पहला जना नहीं है। घोर अनर्थ हो गया, इसके पहले कि तुम पर प्रकोप पड़े, ये विधि पहले जने के साथ संपन्न होनी चाहिए। नंदिनी, नैना, प्रिया, क्यों क्यों मारना चाहते थे इन तीनों को? तुमने खुद मारा उन्हें। अरे दुगल चाचा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? वो जिंदा भी है या उसे भी? लेकिन ये सब किया क्यों? घटिया आदमी ने मेरी बेटी नंदिनी का रेप किया था, जिसकी वजह से मेरी बेटी की आत्मा जो है ना अपवित्र हो गई थी। मैं नंदिनी की आत्मा को पवित्र करना चाहता था। उस आयुदेव ने दूसरों का घर बर्बाद कर दिया, लेकिन तुमने अपने अंधविश्वास और रूढ़िवाद सोच के चक्कर में अपने ही हाथों से अपना घर फूंक डाला। अंधविश्वास की बेसुध दुनिया सच में बहुत भयंकर है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद में कार्तिक और आंचल एक गलत आदमी के जाल में ऐसे फंसे कि उन्होंने खुद अपनी बेटी की आहुति दे दी, और ये सब सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी बेटी नंदिनी रेप की विक्टिम थी। एक रेपिस्ट की गलती की सजा एक रेप विक्टिम ने भोगी और अपनी जान गंवा बैठी। किसी कलंक को मिटाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेकर गलत काम करोगे तो कलंकित ही कहलाओगे। इस संदेश के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।